पतले और हल्के बालों को लंबा मोटा घना मजबूत बनाने के साथ साथ बालों का झड़ना रोकने का आसान उपाय। नमस्कार, सिर्फ 15 दिनों में हल्के पतले बालों का झड़ना और टूटना रोक बालों को घना और मजबूत बनाए गए उपाय। ये जो चीज दोस्तों आप देख रहे हैं ये शायद आपने पहले कभी देखी होगी, लेकिन दोस्तों आज हम आपको इससे एक ऐसा उपाय बनाना सिखाएंगे जो आपके बालों को पूरा पोषण देगा। क्योंकि बालों में पोषण की कमी से हमेशा हमारे बाल या तो झड़ने लगते हैं या कमजोर रह जाते हैं, जिससे बालों की ग्रोथ नहीं बढ़ती और वो पतले दिखते हैं। और इसलिए हमने इस उपाय में लिए हैं दोस्तों ये करी लीव्स, जिसे हिंदी में करी पत्ता कहते हैं। भोजन में इस्तेमाल होने के साथ साथ दोस्तों करी लीव्स के हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ये हमारे बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें पाए जाने वाला बेटा कैरोटीन और प्रोटीन हमारे बालों का झड़ना रोकते हैं और हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। और साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स और अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिससे हमारे हेयर को स्ट्रेंथ मिलती है और हमारे स्काल्प के लिए भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हेल्दी बालों के लिए स्काल्प का सही होना बहुत जरूरी है। और मैं दोस्तों यहाँ पर इस तरह से इसके पत्ते अलग कर लूंगा। आप इसके पत्ते निकाल लीजिए और हम यहाँ पर इसके 40 से 50 पत्ते लेंगे मीडियम साइज के। आपको इस तरह से 40 से 50 पत्ते लेने हैं और इन पत्तों का आपको पेस्ट बनाना है। इसका दोस्तों हम ऐसे प्रयोग नहीं करेंगे, आपको क्या करना है कि पहले इन पत्तों को धो लेना है और फिर इस तरह से इसे किसी भी हमाम दस्ते में डालकर इसका अच्छे से पेस्ट बनाना है। आप इसे कूट लीजिए। कूटने से दोस्तों इसका पेस्ट जो तैयार होगा उसमें से इसका रस बाहर निकलेगा, जिससे जब हम इस उपाय को बनाएंगे तो आसानी से इसका पेस्ट जो है उसमें मिल जाएगा। आप देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से इसे कूट लेना है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर एक और चीज लेनी है। वो जो चीज है हम यहाँ पर लेंगे वो है ये कच्चे लहसुन की कलियाँ। लहसुन में दोस्तों एंटी फंगल प्रॉपर्टीज और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, जो हमारी स्काल्प से बैक्टीरिया खत्म करती है, जम्स को हटाती हैं, जिससे दोस्तों हमारी स्काल्प हेल्दी रहती है। और गंजेपन से बचाने के लिए भी लहसुन दोस्तों बहुत फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से दोस्तों हमारे बालों में शाइन आती है और बाल सिल्की बनते हैं। हमने दोस्तों यहाँ पर लहसुन की कलियों को छील लिया है और इस तरह के खाली बाउल में डाल लिया है। इस उपाय को अब हम तैयार करेंगे और उसके लिए आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर इस तरह से एक छोटी कढ़ाई ले लीजिए और उसमें हमने यहाँ पर एक कटोरी के बराबर नारियल का तेल मिलाया है। आप ये नारियल तेल इसमें मिला दीजिए और इसके साथ साथ हमने जो पेस्ट तैयार किया है वो लेंगे और चम्मच से, आप इस तरह से देखिए, चम्मच से जो पूरा पेस्ट है इसमें मिला दीजिए। आपका ये जो पेस्ट तैयार होगा वो दोस्तों एक चम्मच के बराबर होगा। आप चाहे तो एक चम्मच ऐसे भी डाल सकते हैं, नहीं तो ये पूरा पेस्ट जो है इसमें डाल दीजिए। और फिर हम यहाँ पर चार लहसुन की कलियाँ लेंगे। आप ताजे और कच्चे लहसुन की चार कलियाँ इसमें डालिए और इसे डालने के बाद हम चम्मच से इसे मिला लेंगे और ये उपाय को तैयार करेंगे। इसे तैयार करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है कि इसे धीमी आँच पर गर्म करना है। आप दोस्तों जैसे जैसे शुरू में इसे गर्म करेंगे आपको इसमें हल्के बबल्स देखने को मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये बबल्स कम होते जाएंगे। और जब ये बबल्स कम हो जाएं और लहसुन जो है आपको कुछ इस तरह से दिखने लगे, तब दोस्तों आपको क्या करना है कि गैस को बंद करना है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इस सारी प्रोसेस को दोस्तों आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, यानी कि 5 मिनट में तैयार हो जाएगा। और फिर हम इसे छान कर इस तरह के बाउल में डालेंगे जिससे हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सके। ये तेल दोस्तों आपकी हेयर ग्रोथ को बढ़ाएगा। जहां से भी आपको हेयर लॉस हो रहा है वहां पर इसे आप लगाएंगे तो आप देखेंगे आपके बाल मजबूत होंगे, झड़ना बंद होंगे और उनकी ग्रोथ बढ़ेगी। इस तेल का इस्तेमाल आपको कैसे करना है आइए देखते हैं। इस तेल को दोस्तों आपको बार बार बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इसे स्टोर कर सकते हैं और स्टोर करके 15 से 20 दिन आपके आसानी से निकल जाएंगे। इस तेल को आपको बालों पर कैसे लगाना है वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आप दोस्तों क्या कीजिए कि पहले यहाँ पर इस तरह से एक कॉटन बोल लीजिए और इसे हम यहाँ पर इस तेल में अच्छे से डिप करेंगे। और जहाँ पर आपको हेयर लॉस की समस्या है या फिर आप इसे अपनी पूरी स्काल्प के ऊपर अच्छे से डालिए। आप चाहे तो चम्मच से भी इसे डाल सकते हैं और अपनी फिंगर की मदद से हल्के हाथों से इसे अपनी स्काल्प पर मसाज कीजिए। आपको दोस्तों बिल्कुल हल्के हाथों से आराम से इसकी मसाज देनी है और फिर बाकी तेल को आप चाहे तो अपने बालों के ऊपर भी लगा सकते हैं। नहाने से आप 1 घंटा पहले इसे अपने बालों पे लगाएं और फिर शैम्पू करके अपने बालों को धो लीजिए। इस उपाय का इस्तेमाल दोस्तों हर दूसरे दिन आपको अपने बालों पर करना है, यानी कि एक दिन छोड़कर अगले दिन से बालों पर लगाना है। और 15 से 20 दिनों में आप देखेंगे कि आपके जो बाल झड़ते थे वो बिल्कुल रुक जाएंगे और बाल मजबूत होना शुरू होंगे। लगातार इसके इस्तेमाल से आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी और बालों की लंबाई ऐसी बढ़ेगी कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे और आप खुशी से झूम उठेंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।